तो चुनावी खबर में खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां कांग्रेस में टिकट वितरण से पहले गुटबाजी देखने को मिली है। अशोक तंवर के मैसेज पर उनके समर्थक दिल्ली के 10 जनपद पर जुटे हैं, साथ ही यहां वो जबरदस्त प्रदर्शन भी कर रहे हैं और चेतावनी तक भी दी है कि अगर अशोक तंवर की अनदेखी होती है तो वो पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि आज भी कांग्रेस की बैठक होनी है जिसमें टिकटों पर मंथन किया जाएगा। ये तस्वीरें 10 जनपद की है जहां अशोक तंवर के समर्थक बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि तंवर की अनदेखी की गई तो प्रदेश भर में ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो बिल्कुल बेहद दिलचस्प मोड़ पर है हरियाणा विधानसभा चुनाव, जहां पर कांग्रेस की पहली ही लिस्ट आने से पहले कांग्रेस समर्थकों का प्रदर्शन सामने आया है। दिल्ली की तस्वीरें, 10 जनपद पहुंचे हैं समर्थक अशोक तंवर की ओर, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और तस्वीरें बिल्कुल साफ कहती हुई कि कांग्रेस में गुटबाजी का दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 2 दिन बचे हैं सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन को। कांग्रेस अभी अपनी पहली लिस्ट ही जारी नहीं कर पाया है। तो दवा की अनदेखी पर प्रदेश भर में प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए प्रदर्शनकारी यहां पहुंच गए हैं जनपद 10 पर, जहां ये प्रदर्शन की जा रही है। 10 जनपद पर तंवर के समर्थकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। समर्थकों का कहना है कि अशोक तंवर को अनदेखा ना किया जाए, यदि उनकी अनदेखी की गई तो प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। जी बिल्कुल दीपिका, हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श जुड़े हुए हैं लगातार। स्पर्श, सबसे पहले क्या कुछ तस्वीरें हैं मौजूदा वहां की? देखिए, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके का नज़ारा जो है इस वक्त सोनिया गांधी के आवास के बाहर बना हुआ है। लगातार अशोक तंवर के जो समर्थक हैं उनका जमावड़ा जो है बढ़ता यहां पर जा रहा है। जिस तरीके से एक मैसेज जो है अशोक तंवर का वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली में बुलाने का जो है आह्वान किया है। ऐसे में लगातार अशोक तंवर के जो तमाम समर्थक हैं वो यहाँ पर सोनिया गांधी के आवास पर नज़र आ रहे हैं और कहीं प्रदर्शन जो है वो लगातार कर रहे हैं। अपने जो नेता हैं अशोक तंवर, उनके समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके खिलाफ जो है यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। और अब जिस तरीके का यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है कि आप देख सकते हैं कि सीधे जो तस्वीरें हैं सोनिया गांधी के आवास के सीधे बाहर, यहाँ पर तमाम अशोक तंवर के समर्थक मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी यहाँ पर बढ़ा दी गई है, क्योंकि किसी तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर अगर उग्र प्रदर्शन करते हुए अशोक तंवर के समर्थक नज़र आते हैं तो उस स्थिति से निपट लिया जाए। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर अशोक तंवर कर रहे हैं, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी का आरोप अशोक तंवर लगातार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि 5 साल में जिस तरीके का काम उन्होंने किया है और उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने किया है वो अब उनका फल जो है उनको मिलना चाहिए। उनके कार्यकर्ताओं को जो है टिकट वितरण में कहीं ना कहीं अब तरजीह दी जानी चाहिए। जी स्पर्श, दिल्ली में अशोक तंवर के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं लगातार। इसके अलावा मामला अंबाला संसदीय सीट को लेकर भी अटका हुआ है। देखिए, हाँ जी बिल्कुल, अंबाला संसदीय सीट की अगर बात की जाए वहाँ पर कई सारी जो है अब विधानसभा निकल कर सामने आती है। वहाँ पर ये ऐसा माना जाता है कि कुमारी शैलजा का जो प्रभाव है वो माना जाता है और उनसे पूछकर जो है टिकट वितरण कहीं ना कहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे में जो टिकट वितरण का फॉर्मूला कांग्रेस अपना रही है और जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने कई बड़े बदलाव जो है हरियाणा में किए थे, CLP लीडर का पद जो है बदल दिया था और उसके साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष उसका पद जो है बदल दिया था, ऐसे में तमाम यहाँ पर जो कार्यकर्ता है अशोक तंवर के जो समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो गुलाम नबी आजाद वो टिकट की जो है बंदर बांट कर रहे हैं, पैसे लेकर जो है टिकट का बंटवारा कर रहे हैं। इसी के चलते जो है लगातार कहा ऐसा जा रहा है कि न केवल अंबाला संसदीय क्षेत्र लोकसभा या फिर अन्य लोकसभाओं की बात की जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो है टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आ रही है। स्पष्ट बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और आपसे अशोक तंवर के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट, जिस तरह की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि 10 जनपद पर किस तरह से अशोक तंवर के जो समर्थक है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी करना कितनी बड़ी मुश्किल होगी। बिल्कुल।
देखिए बिल्कुल कांग्रेस के लिए जो है मुश्किल अब जो है कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसके बाद जो है कभी भी जो है कांग्रेस अपनी जो है पहली लिस्ट अनाउंस कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 78 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है एक बड़ी सूची जो है जारी कर दी गई कर दी थी, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भी जो है यहाँ पर लिस्ट जो है सूची नहीं जारी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो बैठक है लगातार कांग्रेस के जो आला नेता है वो करते हुए जो है नजर आते हैं। कांग्रेस के वॉर रूम में जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद एक दौर की फिर से बैठक होती है, और उसके बाद जानकारी आज ये भी निकलकर सामने आई थी कि कांग्रेस के जो तमाम नेता है वो आज एक बार फिर से जो है कांग्रेस के वॉर रूम में बैठने वाले हैं, और जो असमंजस की स्थिति लगातार कांग्रेस में टिकटों को लेकर बन रही थी उसको कहीं ना कहीं जो है सुधारा जाए और तमाम नेताओं को साथ लेकर चलने का काम किया जाए, क्योंकि अगर पिछले अगर इतिहास की बात कर लेते हैं जींद उपचुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी, और उसके बाद अगर 10 की 10 लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं वहां पर भी जो है कांग्रेस की हार हुई थी, ऐसे में कांग्रेस जो है केंद्रीय आलाकमान तमाम नेताओं को साथ लेकर चलने का दावा जरूर करता है, लेकिन जिस तरीके का नजारा इस वक्त सोनिया गांधी के आवास के बाहर दिख रहा है, तमाम अशोक तंवर के जो समर्थक है वो यहाँ पर जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो स्पर्श हमारे साथ बने रहेगा, स्पर्श आप हमारे साथ आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन भी जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरह से अब 10 जनपद से तस्वीरें आ रही हैं अशोक तंवर के जो समर्थक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए अब डैमेज कंट्रोल करना और टिकटों का ऐलान और पहली लिस्ट जारी करना बहुत बड़ी मुश्किल हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के सामने जो 90 उम्मीदवार उतारना है वो एक बड़ी चुनौती जो है वो बन चुका है, और इस चुनौती बनने की वजह है कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी और धड़ेबाजी। अंबाला लोकसभा क्षेत्र की जो विधानसभा है वहाँ पर कुमारी सैलजा जो है वो अपने मुताबिक जो है वो टिकट का वितरण चाहती है, और अशोक तंवर जो है वो सिरसा लोकसभा समेत अन्य जो कई क्षेत्र हैं जहाँ से अशोक तंवर अपने समर्थकों को टिकट जो है वो चाहते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो ज़्यादातर टिकटों पर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो अब सोनिया गांधी के बिल्कुल आवास के बाहर जो है वो पहुंची हुई है, वो जहां पर अशोक तंवर के समर्थक जो हैं वो अशोक तंवर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ नारे जो हैं वो सोनिया गांधी के 10 जनपद के आवास के बाहर जो हैं वो लगने लगे हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के सामने अब चुनौती जो है वो बीजेपी से निपटने की या फिर दूसरे अन्य दलों के उम्मीदवारों से निपटने की नहीं बल्कि खुद की पार्टी के नेताओं से निपटने की है। चर्चा ये तक चल पड़ी है कि जो बीजेपी को 12 उम्मीदवारों की सूची जारी करनी है, बीजेपी की भी अब नज़र जो है वो कांग्रेस की तरफ चली गई है कि कांग्रेस में जिस तरीके से नेताओं की नाराजगी की बात सामने आ रही है उस नाराजगी का कहीं कोई बीजेपी को बेनिफिट मिल सकता है क्या, या बीजेपी जो है वो उस नाराजगी में से क्या कोई मास्टर स्ट्रोक लगा सकती है क्या, ये बीजेपी जो है वो अब देखने लगी है। और बीजेपी ने भी जो है वो बड़ी एक बड़ी प्लानिंग के साथ जो है वो अपने 78 उम्मीदवारों की सूची जारी की, और जो सीटें 12 होल्ड की है उनमें आदमपुर भी होल्ड है तो शाम भी होल्ड है। आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई जो है वो कांग्रेस के जो है वो बड़े नेता हैं और हिसार लोकसभा से क्षेत्र संबंध है उनका, भिवानी लोकसभा क्षेत्र से संबंध रखती हैं, और तोशाम विधानसभा से कांग्रेस की जो मजबूत नेता हैं किरण चौधरी, दोनों जो हैं उनकी पार्टी के साथ जो है वो तल्खी टिकट वितरण में देखने को मिल रही है, यानी किरण चौधरी नाराज हैं, सैलजा नाराज हैं, कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं, अशोक तंवर नाराज हैं, तो फिर आखिरकार चल किसकी रही है, आखिरकार बात किसकी बड़ी मानी जा रही है। ये जो कांग्रेस के बीच में इस तरीके के जो समीकरण बने हैं इन समीकरणों के चलते अब निगाह बीजेपी की भी कांग्रेस की तरफ चली गई है, देखना यही होगा कि 12 की सूची में बिल्कुल तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति भी जो है कांग्रेस लगातार है, और कांग्रेस अंदर खाने अपने ही कहीं ना कहीं से घिरती हुई जा रही है। हमारे साथ स्पर्श भी हमारे सहयोगी लगातार 10 विधानसभा से जुड़े हुए हैं। स्पर्श, जिस तरह की तस्वीरें हैं कहा यह भी जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद अशोक तंवर भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, जो मैसेज जो हमें मिल रहा है अंदर खाने वो ये है कि अशोक तंवर यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया हुआ है, एक मैसेज ऑडियो जो है उनकी वायरल यहाँ पर हो रही है, तो हो सकता है कि अशोक तंवर आपसे कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुँचे। मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ कि एक बार फिर से किस तरीके का यहाँ पर जो है नज़ारा बना हुआ है, तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर जो समर्थक अशोक तंवर के यहाँ पर पहुँचे वो कहीं ना कहीं रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं कि किस तरीके की जो आने वाले समय में रणनीति कांग्रेस की तरफ से रहने वाली है वो रहने वाली है। अगर मैं समर्थकों से ही बात कराऊं, लगभग एक घंटे से ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रदर्शन करते हुए हो गया है, आप क्या आगे की रणनीति रहने वाली है?
देखिए हमारी तो हाईकमान से यही गुजारिश है और हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने 5 साल सड़कों पर कांग्रेस के लिए मेहनत करी है उन लोगों को टिकटों में प्राथमिकता दी जाए, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया जाए और उनकी जीत सुनिश्चित की जाए। हुड्डा साहब ने और गुलाम नबी आजाद ने मिलकर पार्टी का सौदा कर दिया है। ये लोग खुलेआम टिकटें बेच रहे हैं, इनके इनके लोग जो खुलेआम पैसे मांग रहे हैं टिकटों के लिए, हम इसी का विरोध करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी स्पर्श जी स्पर्श खबर ये भी आ रही है कि अशोक तंवर ने हरियाणा से टिकट चाहने वाले कांग्रेस को बचा लो, सोनिया जी को कहना चाहता हूँ इस कांग्रेस को बचा लो, कांग्रेस खत्म कर दिया इन्होंने। और जी 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 बताइए दीपशिका। जी जी स्पर्श खबर ये भी आ रही है कि अशोक तंवर ने हरियाणा से टिकट चाहने वाले कांग्रेसियों की लंबी चौड़ी लिस्ट आला कमान को सौंप दी है और दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं अशोक तंवर, और इसी के चलते आज समर्थन भी वहां इकट्ठे कर लिए गए हैं समर्थक। देखिए बिल्कुल जो दबाव बनाने की रणनीति जो है वो यहाँ पर अशोक तंवर की तरफ से की जा रही है। आर पार की स्थिति में जो है अशोक तंवर नजर आ रहे हैं, हमने ऑफ कैमरा अशोक तंवर से बात करने की कोशिश भी की थी तो वो आर पार की स्थिति में पूरी तरीके से जो है नजर आ रहे थे। और अब जिस तरीके से यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया हुआ है तो कहीं ना कहीं केंद्रीय आलाकमान पर दबाव बनाने की जो कोशिश है वो अशोक तंवर की तरफ से की जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों लगातार उनके बयान जो है निकल कर ये सामने आते थे कि पिछले 5 सालों में जिस तरीके की मेहनत मैंने और अपने तमाम कार्यकर्ता जो मेरे कार्यकर्ता है उन्होंने की थी उनको जो है टिकट वितरण में तरजीह दी जानी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने जो मधुसूदन मिस्त्री जो कि स्क्रीनिंग कमिटी के चेयरमैन है उनसे मुलाकात भी की थी और अपने जो तमाम समर्थक थे उनको जो है लिस्ट भी सौंपी थी कि मेरे ये तमाम समर्थक है उनको जो है कहीं ना कहीं टिकट वितरण में जगह दी जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अब टिकट वितरण का फॉर्मूला कांग्रेस अपना रही है, जैसा कि तमाम कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यहाँ पर चल रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो गुलाम नबी आजाद है वो पैसे देकर जो है टिकट बांट रहे हैं, ऐसे में आर पार की लड़ाई के लिए अशोक तंवर पूरी तरीके से बिल्कुल आर पार की लड़ाई के लिए अशोक तंवर लगातार लगे हुए। स्पर्श हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए स्पर्श आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हम अपने सहयोगी पवन के पास चलेंगे। पवन, जिस तरह से नारे ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को बचा लो और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का नाश हो जाएगा, तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव है और अब बिल्कुल दहलीज पर हम विधानसभा चुनाव के खड़े हुए हैं। देखिए अब जो जिस तरीके की ऑडियो जो है वो वायरल हो रही है या फिर सोनिया गांधी के आवास के बाहर अशोक तंवर के समर्थक पहुंचकर नारे लगा रहे हैं, सीधा सीधा सबकी कोशिश एक ही है कि पार्टी हाईकमान के ऊपर और टिकट वितरण कमेटी के ऊपर एक ऐसा दबाव बनाया जाए जिस दबाव के चलते टिकट वितरण में नेता जो है वो अपनी अपनी चलाना चाहते हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उनकी पैठ जो है वो सीधा कमेटी के अंदर की है तो वो बाहर इस तरीके का कुछ भी प्रदर्शन या कोई नाराजगी पार्टी के खिलाफ कोई नहीं दिखा रहे, लेकिन अशोक तंवर जो है वो सीधा सीधा खुला जो है पार्टी के सामने जो है वो अपनी बात रखने के लिए अपने समर्थकों को एकजुट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अब ऐसी स्थिति में है विधानसभा चुनाव के नतीजों की परवाह किए बगैर नेता अपने अपने जो चहेते हैं अपने अपने जो उनके समर्थक हैं उनको टिकट दिलाने पर आमादा है और यही वजह है कि कांग्रेस जो है वो चुनाव में बीजेपी या अन्य दलों के साथ लड़ती हुई नजर नहीं आ रही बल्कि आपस में खुद से खुद ही लड़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल पवन सही कहा कि आपस में खुद ही लड़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से सांगवान और ईश्वर सिंह ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है और अब शैलजा अंबाला संसदीय सीट में किसी का हस्तक्षेप भी नहीं चाह रही है और अब अशोक तंवर के जितने भी समर्थक है वो भी इकट्ठा हो चुके हैं, तो कांग्रेस की हालत काफी कमजोर होती हुई दिख रही है। देखिए जब इस तरीके की स्थिति होती है बिल्कुल हम चाहेंगे आप उस सवाल का जवाब दे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम वो ऑडियो सुनवाना चाहते हैं जो समय तेजी से वायरल हो रहा है। सभी साथियों से अनुरोध है, मैं अशोक तंवर बोल रहा हूं भाई, इस कांग्रेस का नाश करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं, आप सबसे अनुरोध है कांग्रेस मुख्यालय जल्दी से जल्दी पहुंचे, अपने आप को भी बचाएं और पार्टी को भी बचाएं, धन्यवाद। सभी साथियों से अनुरोध है, मैं अशोक तंवर बोल रहा हूं भाई, इस कांग्रेस का नाश करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं, आप सबसे अनुरोध है कांग्रेस मुख्यालय जल्दी से जल्दी पहुंचे, अपने आप को भी बचाएं और पार्टी को भी बचाएं, धन्यवाद। जी पवन, तो देखा आपने कि किस तरीके से अशोक तंवर ने अपने समर्थकों को भी वहां एकजुट कर लिया है। हम यही बात कर रहे थे कि पार्टी पे बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैल चुकी है और एकजुटता बिल्कुल भी नहीं है, पार्टी कमजोर होती हुई नजर आ रही है, कहीं भी बीजेपी के साथ टक्कर नहीं हो पा रही है।
देखिए कांग्रेस की अगर मजबूती की कमजोरी की बात करना बेमानी होगी, क्योंकि पिछले 5 साल से ही प्रदेश में कांग्रेस की हालत ऐसी रही है, जब कांग्रेस जो है वो अलग अलग धड़ों में गुटों में बंटी हुई थी, कांग्रेस कभी भी प्रदेश में एकजुट नहीं थी, और उसी का खामियाजा आज कांग्रेस के नेता हाईकमान में जो बैठे हैं वो भुगत रहे हैं कि उनके सामने उनके जहां वो बैठे हैं उसके बाहर जाकर समर्थकों को नारेबाजी करनी पड़ रही है। अशोक तंवर का जो ऑडियो है, एक पूर्व में हरियाणा के जो अध्यक्ष कांग्रेस के रहे, 6 साल से ज्यादा का जिनका कार्यकाल हरियाणा में रहा, उस पार्टी के नेता को अपने समर्थकों को पार्टी बचाने के लिए इकट्ठा करना पड़ रहा है, ये नौबत कांग्रेस के लिए आ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का जो है वो मुकाबला अन्य राजनीतिक दलों से इस चुनाव में नजर नहीं आ रहा, बल्कि कांग्रेस का मुकाबला आपस में नेताओं का है, और नेता जो है वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने प्रभाव के चलते अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने पर जो है वो अड़े हुए हैं, और वजह जो है वो साफ और सब स्पष्ट यही है कि अपने प्रभाव के चलते अपने अपने क्षेत्र में जो अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने में नाकामी जहां जहां मिल रही है, वैसे वैसे विरोध के सुर उठ रहे हैं, और उस विरोध के सुर में से ही एक सुर अशोक तंवर का है, जो अपने कार्यकर्ताओं को यहां तक कह रहे हैं कि कांग्रेस को बचाना है तो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। जिस नेता के पास हरियाणा की कांग्रेस की कमान 6 साल से ज्यादा रही हो, और उसका उस टाइम ऐसा बयान आना जब हरियाणा में 2 दिन नामांकन के बचे हैं, 21 तारीख को मतदान होना है, 24 तारीख को नतीजे आने, उस वक्त अगर पार्टी के नेता का ऐसा बयान, ऐसा उनकी अपील या अपने तो आपको कौन क्या लगता है कि क्या अशोक तंवर का ये बयान, कौन बिल्कुल अशोक तंवर का ये बयान क्या आपको लगता है बीजेपी के लिए संजीवनी साबित होगा? केवल बीजेपी के लिए नहीं, बल्कि 90 की 90 सीटों पर भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के जो उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे उनके लिए ये इस तरीके का जो माहौल कांग्रेस में पैदा हुआ है, इसका उनको फायदा मिलना लाजमी है, क्योंकि जब कांग्रेस के नेता उनके लिए चुनाव प्रचार में जाएं, कांग्रेस के लिए खून पसीना बहा है, आज लड़ाई सड़कों पर इसीलिए है कि जो कांग्रेस की असली कांग्रेस यहाँ पर है, वो कांग्रेस जिनके लिए आज टिकट वितरण हो रहा है, वो 5 साल तक एसी में रहे, और जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में सोनिया गांधी जी के आदेश को न मानकर जानबूझकर वोट खराब करी, आज उनको विधायक की टिकट दी जा रही है। तो ये इंसाफ की लड़ाई है, ये सड़कों पर हम लड़ेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ेंगे, डॉक्टर अशोक तंवर जी के सिपाही लड़ेंगे। यहाँ पर उन आदमियों को टिकट दी जा रही है नानों दल के से जो 23 दिसंबर 2014 को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, उसको बजीत सिंह को, और आज उसको मतलब पैसे में टिकट का सौदा करके उसको टिकट दी जा रही है, और कैप्टन अभिमन्यु को वहाँ के जिताने के लिए एकदम कैंडिडेट उतारा जा रहा है सलजा कुमारी द्वारा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा। वहाँ पे कौन टिकट भेज रहा है? गुलाम नबी आजाद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये लोग तो उन आदमियों को टिकट दिलवाने का काम कर रहे हैं जो 2 बार इलेक्शन पहले हार चुके हैं, और वोट उसका मतलब क्या होगा? जो 5 साल धक्के खाए वो कुछ नहीं है इसका मतलब, तो जो एसी में बैठते हैं उनका मतलब क्या हुआ मैडम जी? उनको टिकट दी जा रही है जिसको मैडम जी चरखी दादरी से अजीत फोगट 15 साल से संघर्ष कर रहा है, और अभी के है मनीषा सांगवान को 3 महीने से संघर्ष कर भी नहीं रही, उसको क्या पैराशूट से उतारा जा रहा है, लोगों तक नहीं लड़ा, लोगों को नाम पता नहीं, उसने क्या मनीषा सांगवान को दादरी से उतारा जा रहा है, हम बिल्कुल विरोध करेंगे और आत्महत्या करेंगे हम इसके लिए। तो अपने सहयोगी पवन के पास चलना चाहेंगे। पवन, के आक्रोश के सुर जो है आपने जरूर सुने होंगे, कहा यह भी जा रहा है इन कार्यकर्ताओं के द्वारा कि जिस तरह से कांग्रेस जो है डमी कैंडिडेट उतारने का काम कर रही है। देखिए, ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो सोनिया गांधी की आवास के बाहर आज इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो यूं भी कह सकते हैं कि ये कांग्रेस के साथ साथ अशोक तंवर के समर्थक हैं, क्योंकि अशोक तंवर की अपील पर ये वहां पहुंचे हैं, और इनको अंदर की सारी जानकारी अगर मिली हुई है कि ये उम्मीदवार जो है वो संभावित के तौर पर इनके नाम फाइनल किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको अशोक तंवर के माध्यम से एक पार्टी के खिलाफ इस तरीके का माहौल बनाकर और पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लेकिन ये तय है कि जो ये माहौल बना है ये बीजेपी समेत अन्य जो राजनीतिक दल और जो उम्मीदवार हैं उनके लिए बड़ा फायदा जो है वो देने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो पूरे तरीके से धीरे धीरे जिन हालातों में उस हालातों के चलते चुनाव से जो मुकाबले से बाहर होती दिख रही है। बिल्कुल सही कहा पवन, लिस्ट से पहले
ये सभी जो बड़े नेता है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो, चाहे फिर अभी फिलहाल अशोक तंवर की बात करें, और पार्टी आला कमान पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच अंबाला संसदीय सीट की बात की जाए तो उस पर भी पेच फंसा हुआ है। पवन, केवल अंबाला संसदीय क्षेत्र की बात नहीं है, यहाँ हरियाणा में जो 10 लोकसभा के क्षेत्र हैं, 10 लोकसभा के क्षेत्र में अपने अपने प्रभाव के चलते नेता जो हैं वो टिकट वितरण में अपने नज़दीकियों के, अपने समर्थकों के टिकट चाहते हैं। 10 लोकसभा के अंदर 90 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उन 90 विधानसभा क्षेत्र में जो सभी नेता जो हैं, चाहे उनमें शैलजा है, कुलदीप बिश्नोई है, किरण चौधरी हैं, और जो अशोक तंवर है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, सभी नेता अपने अपने मुताबिक टिकट जो है वो अपने अपने क्षेत्र में चाहते हैं। लेकिन आरोप सीधा सीधा यही लग रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव के चलते बाकी अन्य नेताओं को तरजीह नहीं दी जा रही है, और यही वजह है कि दूसरे नेता जो है वो अंदर अपने अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन अशोक तंवर ने पूरे तरीके से मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को पहुंचने के लिए कह रहे हैं, सोनिया गांधी के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं को जमा कर दिया है, पार्टी हाईकमान के ऊपर दबाव बनाकर अपने चहेते, अपने समर्थक या उनके साथ संघर्ष में रहे जो कार्यकर्ता है उनको टिकट दिलवाने की बात की जा रही है। लेकिन कांग्रेस जो है वो इस स्थिति में है, जब दो दिन तो कांग्रेस की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं से बिल्कुल असमंजस में अब जाकर फंस गई है। पवन, तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।